मानयोग डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्मों के मुताबिक अज एक स्कूल एक दफ्तर एक होस्पिटल विजिट किया गया मेरे वालों। स्कूल च मेनली हाजिरी चैक की गई सी, दफ्तर के भी हाजिरी चैक की गई सी, कोई एबसेंटी नहीं पाया गया। उस तो बाद इतने सिविल होस्पिटल के डी साहब के हुक्मों के मुताबिक डिटेल्ड उन्होंने कहा कि इन्हें स्टडी करके आओ, जिद मैं होस्पिटल के वक्रे वक्रे एरिया जिदा कि ICU NICU वार्ड ओट सेंटर रिहैबिलिटेशन सेंटर OPD चेक की या जेडे इन्होंने जन औषधि सेंटर ड्रग स्टोर लैब्स एंड ICTC सेंटर सारे चैक किए गए। अब जिन्हें भी पेशेंट ने इंट्रैक्ट किया किसी भी पेशेंट वालों किसी तरह की कोई शिकायत नहीं दिखाई गई दसी गई। जो नोटिस आया कुछ चार पाँच इशूज़ है जेडे जो डी साहब ना डिस्कस करा तो होपफुली अपन काफ़ी दे कुछ ना कुछ हल लभ लवेंगे। जिस तरह कि इन्हों एक ए फेरेसिस जोड़ा यूनिट हैगा वह सर्टिफिकेशन होनी है, रीसेंटली डेंगी आ रहा वा तो वास्ते सूँ इंतजाम करने पैने हैं। जोड़ा बार प्लेटलेट कंसनट्रेट 15 to 20 हज़ार प्राइवेट से मिलता सरकार उन्होंने 7500 रुपये दे रही है SMO साहब वालों जिस तरह मैं दसाया गया वो वास्ते एक इन्ना को बहुत ही वधिया होस्पिटल टाटा मेमोरियल तो स्पैशलिस्ट डॉक्टर इतने अपॉइंटेड है ने तो उन बस उन्होंने एक लाइसेंस अवेटिड है, मशीन भी इतने हैगी है डीसा ने गल करके असी सरकार राबता कायम करके वो लाइसेंस को जल्दी तो जल्दी मुहैया करा की ट्राई करा। वो देखा गया जन औषधि जी दवाइया वो उन्होंने मैं इन्होंने कहा कि तुम अपना जो भी फॉरमेट है दौ कि दवाइया घट है वो डीसा ने डिस्कस करके उन्होंने भी जल्द तो जल्द हल कर दिया जाएगा।